मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के महावीरपुरा में डेढ़ माह पूर्व हुए मर्डर के चार आरोपी अभी भी फरार हैं। सुरक्षा के तौर पर गांव में गार्ड लगाया गया है, लेकिन फिर भी रात को ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह फायरिंग उस समय की गई जब गांव में कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। अगर ये लोग जमीन पर नहीं लेटते तो कुछ भी हो सकता था। घटना देर रात लगभग 10 बजे की है। बागचीनी थाने को सूचना दी गई, फिर भी करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। फरियादी माखन कुशवाहा ने बताया कि 21 जून को मामूली बात पर उसके मामा मान सिंह की कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में 12 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिनमें से 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जगदीश, संतू, सोनू और रामोतार सिकरवार अभी फरार है। सुरक्षा के तौर पर घर में गार्ड लगाया गया है। रात लगभग 10 बजे कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर अनाधुन फायरिंग की। पहले 2 फायर किए, फिर कुछ देर बाद रुककर 5 फायर और किए। पुलिस को सुबह 7 खाली खोके 315 बोर के मौके पर पड़े मिले। फरियादी के परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। मुरैना से अंकुश मंगल की रिपोर्ट। कल शाम को 10:30 बजे के लगभग नियम अनुसार जैसे हम गश्त करते थे यहाँ पे आए, आने के बाद में जैसे ही अपन 10:30 से यहाँ से रोड पे जा रहे थे तो राइट साइड से 2 फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ आई उतने पे हम पुनः लौट के आए, ताकि बाद में इनके घर वाले सब इकट्ठे हो गए, गांव से भी एकत्रित होकर के नहीं 15-20 लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हम लोग सब एकत्रित होकर के नहीं यहाँ पे बात ही कर रहे थे, इतने में 5 फायर अलग से और रिपीट। उसके बाद में हम लोगों ने TI साहब को भी फ़ोन किया तो TI साहब भी मौके पर आए, उन्होंने सर्चिंग करी। सर्चिंग करने के बाद में उन्होंने सब देखा, तलाशा, तो वहाँ पे वो और पास कहीं दिखाई नहीं दिए। और सुबह जब हमने उस घटना स्थल को देखा गया तो वहाँ पे 7 फायर केस अपन को 315 के पर्याप्त तो वहाँ पर ढूंढने पर मिले। इसके बाद में ये घटनाक्रम ऐसे पूर्ण हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।